हाय नमस्ते सत्याकाल सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज का जो मेरा रिएक्शन वीडियो है वो है क्यामत के दिन क्या होगी बेनमाजी की हालत। मीन्स बेनमाजी मीन्स जो बंदा नमाज नहीं करता या प्रॉपरली नहीं करता तो उसकी क्यामत वाले दिन क्या उसके साथ क्या होगा, उसकी क्या हालत होगी, तो उसको इस वीडियो में बयान किया गया है। क्यामत का तो हम सबको पता है, हर रिलीजन में ही होता है। मीन्स अगर हिंदू भी हैं हम लोग भी बात करते हैं कि क्यामत आएगी, बट क्यामत क्या होती है और कभी भी मीन्स टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी ये नहीं सुना कि अगर हम लोग प्रे नहीं करते पूजा नहीं करते तो फिर क्यामत वाले दिन कुछ हो सकता है या हमारे कुछ बुरी हालत होगी। मीन्स हो सकता है कि हो हमारे रिलीजन में भी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी ये चीज़ नहीं सुनी है कि कुछ उसके रिपरकशंस भी हो सकते हैं प्रे ना करने के, भगवान जी को फॉलो ना करने के। बट इस वीडियो में उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि क्यामत के दिन जो लोग नमाज नहीं करते हैं उनकी क्या हालत होगी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज़ आप मेरी बातों से ही बोर हो जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्योंकि सूरह कलम की आयत नंबर 42 मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के लिए इस आयत को याद रखो और उस जो नदामत कल होगी, जो जिल्लत कल होगी, जो बेइज्जती कल हमारी कयामत के दिन होगी अगर हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो इस जिल्लत को अपने जहनों में रखना मेरी बहनों। कि दुनिया में अगर कोई एक हमारी अगर बेइज्जती कर दे चार लोगों के सामने तो जिंदगी भर हम उसको याद रखते हैं, है ना, कि चार लोगों के सामने उन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी, चार लोगों के सामने उन्होंने हमको ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सब बातें हम करते हैं। अब तैयार हो जाओ, अगर तुम दुनिया में अल्लाह के सामने सजदा नहीं करोगे तो कल कयामत के दिन पूरी इब्ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जो इंसान पैदा होगा और मरेगा वो इंसान के दरमियान हमारी जिल्लत और रुसवाई होगी, याद रखना मेरी बहन। कैसे? सूरह कलम कि आयत नंबर 42 में अल्लाह सुबहाना व तआला कहते हैं कल कयामत का दिन होगा मेरी बहनों, याद रखना अल्लाह के लिए इस आयत को, कल कयामत का दिन होगा अल्लाह सुबहाना व तआला तमाम के तमाम लोगों को इब्ने आदम से लेकर आखिरी इंसान को मैदान महशर में जमा करेंगे, कयामत के मैदान में जमा करेंगे और अल्लाह सुबहाना व तआला तमाम के तमाम लोगों को हुक्म देंगे कि सजदा करो, वस्जुदु सजदा करो। जो लोग भी मेरी माँ और बहनों गौर करिए, उस दिन अल्लाह सुभाना व तआला होंगे और हम सब को अल्लाह की बात माननी होगी, तो मुझे बताइए किसी की इतनी हिम्मत होगी कि वो अल्लाह का हुक्म सुने और सजदा ना करे? किसी की इतनी हिम्मत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हर कोई सजदा करने की कोशिश करेगा, अल्लाहु अकबर। खुश नसीब लोग अल्लाह का हुक्म सुनते ही फौरी सजदे में गिर जाएंगे और बदनसीब लोग अल्लाहु अकबर अल्लाह के सामने सजदा करने की कोशिश करेंगे लेकिन सजदा नहीं कर पाएंगे। गौर करो मेरी बहनों, मेरे साथ जितने लोग हैं तमाम के तमाम लोग अल्लाह का हुक्म सुनते ही फौरी सजदे में गिर जाए और मैं एक ऐसी रह जाऊं कि मैं अल्लाह के सामने सजदा ना करूं तो फिर मेरा क्या हाल होगा? खौल करिए, बंदा या बंदी अल्लाह के सामने सजदा करने की कोशिश करेंगे लेकिन सजदा उनको नहीं करना नसीब नहीं होगा, उनकी कमर की हड्डी रीढ़ की हड्डी सीधी की सीधी कर दी जाएगी, उनकी कमर उन्हें झुकने की कोशिश करेंगे, उनकी कमर उनको इजाजत नहीं देगी झुकने की, वो कमर नहीं झुकेगी मेरी माँ और बहन। खौल करो, मेरे साथ जितने लोग सब सजदे में चले जाए, मैं झुकने की बार बार कोशिश कर रही हूं और मैं सजदा नहीं कर रही, तो मेरा क्या हाल होगा जी? मैं अल्लाह का हुक्म सुनने के बाद भी कोशिश कर रही हूं और मैं सजदा ना कर सकूं तो मेरा अंजाम क्या होगा? बंदा उस वक्त पुकारेगा, सूरह कलम की आयत नंबर 42 और 43 में अल्लाह कहते हैं बंदा पुकारेगा अल्लाह को, ऐ अल्लाह आज क्या हो गया अल्लाह, अल्लाह मैं दुनिया में तो मेरी कमर अच्छी थी अल्लाह, मेरी हड्डी अच्छी थी अल्लाह, मैं झुकती थी अल्लाह, मैं सेहतमंद थी अल्लाह, अल्लाह आज क्या हो गया अल्लाह मेरी कमर को, मैं आज तेरे सामने झुकना चाहती हूँ अल्लाह और मुझे झुकना नसीब नहीं हो रहा। अल्लाह सुभान व तआला उस वक्त बंदे को जवाब देंगे, दुनिया में तुझे बुलाया जाता था,
एक दिन में पांच पांच बार बुलाया जाता था मेरे सामने सजदा करने के लिए, लेकिन तू दुनिया को अहमियत देता था, दुनिया की चीजों को अहमियत देता था, दुनिया के कामों को अहमियत देता था। तू दुनिया में मेरे सामने नहीं झुका, लिहाजा तुझे आज मेरे सामने झुकना नसीब नहीं होगा। और जो कोई वहां पर सजदा करने से खासिर हो गया, जो सजदा नहीं करा, उसका अंजाम क्या होगा मेरी बहनों? जहन्नम, वही खतरनाक जहन्नम, वही भयानक जहन्नम। अल्लाह अकबर। और हम जो नमाजों को छोड़ते हैं, पंच वक्ता नमाजें पढ़ना है, जरूरी है, बस पढ़ना ही पढ़ना, एक भी नमाज नहीं छोड़ना है। एक नमाज पढ़ के, फजर की नमाज पढ़ लेके, ईशा की नमाज पढ़ लेके, या कभी दिल बोला जोहर पढ़ लेके, या कभी घर में टाइम पास नहीं हो रहा बल्कि नमाज पढ़ लेके, अपने आप को नमाजी अगर हम समझ ले रहे, तो सुन लो अल्लाह सुभान व तआला का हुक्म। अल्लाह सुभान व तआला सूरह माऊन, मेरी मां और बहनों, सूरह माऊन की आयत नंबर 3 और 4 में कहते हैं, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साऊन والذين هم يراؤون ويمنعون الماؤون। हलाकत है, बर्बादी है नमाजियों के लिए। अल्लाह अकबर। गौर करिए यहाँ पर इस आयत में क्या बोला जा रहा है, फवैल लिल मुसल्लीन, हलाकत है, बर्बादी है, फैल है नमाजियों के लिए, पंच वक्ता नमाजें पढ़ने वालों के लिए नहीं। والذين هم يراؤون, वो लोग जो अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं, एक नमाज पढ़ते हैं, चार नमाजों को छोड़ते हैं, या चार नमाजें पढ़ते हैं और एक नमाज को छोड़ते हैं, वो लोग जहन्नमी है, बर्बादी है उनके लिए, वैल है उनके लिए। अल्लाहु अकबर। गौर करिए आज हमारा क्या मामला है, खुशी हो गई, अल्लाह की कुछ नेमत मिल गई तो फौरी नमाजें हम पढ़ते हैं, कोई गम आ गया तो फौरी हम अल्लाह को भूल जाते हैं, मेहमान घर में आए तो हमारी नमाजें गई, घर में कोई भी नहीं रहे, टाइम पास अगर कुछ भी नहीं है तब हम हमारी नमाजों को अदा करते हैं, घर का खूब काम है तो हमारी नमाजों को हम छोड़ देते हैं, जब घर का काम नहीं होता तब हमारी नमाजों को अदा करते हैं, बच्चे अगर खूब सता रहे, उधर अजान हो रही तो क्या बोलते हैं, अब्बा बच्चे बहुत सता रहे जी, बाद में नमाज पढ़ लेंगे, बच्चे सतारे बोल के आप नमाजों को छोड़ दे रहे हैं, तो तैयार हो जाओ उस वेल के लिए, उस जहन्नम की वादी के लिए जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगती है। आज क्या मामला हो गया हमारा, नौजवान लड़कियों का क्या मामला हो गया? अल्लाह अकबर। जैसे ही एग्जाम्स आते हैं नमाजें शुरू हो जाती है, जैसे ही हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं नमाजें खत्म हो जाती है, ये मामला होता है। लड़कियों की शादी नहीं हो रही तो अल्लाह के सामने दुआ करते नमाजें पढ़ते, अल्लाह निकाह जल्द से जल्द करा दीजिए, जैसे ही शादी हो गई खत्म, अल्लाह कौन है, नमाज क्या है, हमको मालूम ही नहीं। अल्लाह अकबर। ये मामला आज हमारा है, ये मुनाफिक की सिफत है मेरी मां और बहनों, ये मुनाफिक की सिफत है। सच में ऐसा होता है कि जब हम लोग बहुत बिजी होते हैं, हम लोग हमेशा अपनी नमाज को छोड़ देते हैं या प्रे नहीं करते भगवान के सामने, तो जो नौशीन जी हैं इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग बहुत बिजी हैं तो हम लोगों ने नमाज छोड़ दी, बच्चे परेशान कर रहे हैं नमाज छोड़ दी, ऑफिस जाना है नमाज छोड़ दी, तो क्या है, इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स टू यू नो परफॉर्म द पूजा, टू परफॉर्म द नमाज इन फ्रंट ऑफ द गॉड। तो हम कभी कभी होता है ना, लोग आजकल के मॉडर्न जमाने में ये सोचते हैं कि हम तो ऑफिस में बैठे हैं और बाकी सब नॉन मुस्लिम हैं, तो हम लोग उनके सामने नमाज कैसे करें। इट्स ओके, एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ठीक है आपका रिलीजन जो है वो उसके उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग नमाज पढ़ो, तो ठीक है कहीं भी। और मुस्लिम रिलीजन में तो मैंने ये देखा है कि आई रियली अप्रिशिएट कि वो लोग कहीं पर भी दे आर लीस्ट बॉदर कि मतलब उन लोगों को एक प्रॉपर मस्जिद में ही जाना पड़ेगा नमाज अदा करने के लिए, या कहीं पर भी आप वजू करो और उसके बाद में आप एक अच्छे से कोई भी एक जगह देख के खाली वहाँ पर अपना जो उनका एक नीचे होता है दस्तक खान समथिंग कुछ तो उसको बोलते हैं, उसे जो मैट होता है हम लोग मैट बोलते हैं, उसे बिछा के वो लोग उसके ऊपर बैठते हैं और नमाज अदा कर लेते हैं। मीन्स मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे नमाज अदा करते हुए। आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग केरला गए थे घूमने के लिए, वहाँ पर घूमते घूमते ना हम लोगों ने देखा था वहाँ पे काफ़ी, केरला में तो काफ़ी कोकोनट ट्रीज हैं, और हम लोग वहाँ से आगे मुन्नार गए थे, मुन्नार में वहाँ पे ट्री प्लांट्स हैं,
तो वहाँ पर मैंने देखा था वो लोग भी, वो कपल थे, न्यूली वेड थे, और वो लोग भी जब नमाज का टाइम हुआ ना, वहीं पे उन्होंने अपना मैट पेश आया और नमाज अदा कर दी थी। मीन्स वहीं पे, मीन्स सब लोग वहाँ जा रहे थे, काफ़ी टूरिस्ट थे। बट उसके बाद में हम लोग, बिकॉज वहाँ पे हम लोग साथ में ही काफ़ी कपल्स थे जो मैरिड थे और वहाँ घूमने आए हुए थे, तो जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि ऐसे, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये हमारा 10 मिनट्स का टाइम होता है जो हम लोगों को अपने अल्लाह को देना होता है, उनके लिए नमाज अदा करनी होती है, जो कि उसका जो भी बेनिफिट है उन्हें मिलता है। मीन्स भगवान जी को या अल्लाह को हम याद करते हैं, उनकी प्रेयर करते हैं, तो उससे अल्लाह को कोई बेनिफिट नहीं होता। उनके पास तो करोड़ों लोग हैं जो उनके लिए मीन्स प्रे कर रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट किसे मिलता है? हमें खुद को मिलता है। तो उन्होंने बोला है, अगर पूरे दिन में 24 आवर्स में अगर वो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के 5 टाइम की नमाज अदा कर देते हैं, तो उससे उन्हें बहुत सुकून मिलता है। तो मीन्स वो सुकून भी हमें खुद मिलता है, ये नहीं हम लोग कुछ अल्लाह को बेनिफिट होगा उसके लिए कर रहे हैं, नहीं, हम लोगों को खुद से बेनिफिट होगा। तो इसमें नौशीन जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ में बयान किया है कि जब क़यामत वाले दिन जब हम लोग सब अल्लाह के सामने पेश होंगे और हम लोग एक्चुअली ही उनके सामने सजदा करने लगेंगे, तो हमारी पीठ ही नहीं मुड़ेगी, और हम तब तक सजदा नहीं कर सकते जब तक हमारी पीठ नहीं मुड़ती है। तो मीन्स इट्स लाइक पनिशमेंट, बिकॉज भगवान जी और अल्लाह बोलते हैं कि जब आप लोगों ने, जब आप यहाँ पर थे दुनिया में, तब मुझे याद नहीं किया, तो अभी क्यों मेरे सामने मेरे कहने से कर रहे हो? तो दिस इज़ द पनिशमेंट। तो ये मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी पनिशमेंट हो सकती है या कुछ ऐसा भी होता होगा, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि अगर हम अच्छे काम इस दुनिया में करते हैं तो हम जन्नत में जाएंगे, और अगर हमने बुरे काम किए, किसी का दिल दुखाया है, कुछ ऐसा है, तब जाएंगे। बट वो चीज़ तो सच है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, स्पेशली अपने पेरेंट्स का। बट उसके साथ में जो हमारा पूरे दिन का इतना बिजी स्केड्यूल है, उसमें से थोड़ा टाइम निकालना चाहिए जिसमें हम सजदा कर सके भगवान जी के सामने, अल्लाह के सामने, अपने गॉड के सामने, जो भी हमारे भगवान जी हैं उनके सामने। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट मैं कौन सी वीडियो पे रिएक्ट करूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे लिखते हैं कि लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम UAE, लव फ्रॉम कश्मीर। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। तो ऐसे ही प्यार करते रहिए, और मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में भी। ओके, बाय बाय।